मंडे का नेक्स्ट ब्लॉग जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था। उसके बाद अभी हमने गंगा स्नान कर लिया था सभी ने, और उसके बाद देखो मेरी बेटी को ना ठंड लग रही थी तो उसको मैं कपड़े उपड़े सब चेंज करवा रही थी। सभी हम अपना रेडी होने के लिए यहाँ बैठे थे, तो पहले मैं छोटी को ही तैयार कर रही थी, उसको ठंड लग रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे फर्स्ट व्लॉग में बहुत सारा प्यार मिला, मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और बहुत अच्छा लगा मुझे। इसलिए मैं सोची मुझे नेक्स्ट व्लॉग भी, नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर रही हूँ। बातें ऐसी होती है कि हम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बातें शेयर करके भी मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा नहीं है, दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बहुत हैं। तो बस यही है, जो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, और किसी ने तो मुझे स्पेशल मैसेज करके भी पूछा कि क्या बात है सिस्टर, आप सही तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, बस ऐसे ही कभी हो जाता है इंसान बहुत इमोशनल, जो बहुत ही दिनों बाद उसकी लाइफ में कुछ अच्छा टाइम आए और वो भी इतनी अच्छी जगह हम जाए, तो अपने आप ही भगवान से हमारा दिल जो है ना अटैच हो जाता है। तो बस वही है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो मैं जितना हो सके मेरे से मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी, और अभी थोड़ा बिजी हूँ तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी, ये छोटी जो है ना, ये इसको मैंने रेडी कर दिया है। पहले इसी को ही बहुत ठंड लग रही थी, तो हम सब रेडी हो गए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये सारा हरिद्वार का, ये हर की पौड़ी का है। यहाँ पे हम स्नान करने के बाद मंदिर भी गए थे। जटाओ में दोस्त।
अभी हम जो है ना ऋषिकेश मार्केट में पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला देखने, जो ऋषिकेश में ये देखिए ये है लक्ष्मण झूला। और यहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर, झूले में हम पहली बार चल रहे थे तो ये हिल रहा था बहुत और बच्चों जो है ना बहुत डर रहे थे। यहाँ पे बहुत भीड़ थी और बहुत सारे लोग जो है पूरा इस झूले में पैदल चल के वापस आते हैं और बहुत अच्छी जगह है। और फिर हम यहाँ पे नीचे आ गए थे तो यहाँ पे देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे नाव वगैरह चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे पास इतना टाइम नहीं था और हमें नाइट में वापस भी होना था तो इस वजह से हम नाव में नहीं बैठ पाए। तो नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो ज़रूर हम ये सब इंजॉय करेंगे। और यहाँ हम बैठे थे, यहाँ इस जगह का नाम है शत्रुघ्न घाट। तो अभी हम यहाँ से निकल लिए तो यहाँ पे आरती हुई, गंगा मैया की आरती। वो वाला ब्लॉग जो है वो वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आरती का। तो इतना ही आज के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है तो मुझे सर्दी जुकाम हुआ था तो बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा शत्रुघ्न घाट का कुछ इस तरह से सीन है। तो यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है गंगा मैया का, कितना खूबसूरत। यहाँ पे नदी में बहुत सारी फिश भी होती है तो मैं यहाँ उनको थोड़ा आटे की गोलियाँ डाल रही थी। यहाँ पे मिल जाता है यहीं पास में बहुत सारी, ऐसे लेके बैठे रहते हैं नदी के किनारे। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोनों भी यहाँ पे बहुत खुश थे, देखिए कितने हैप्पी हो रहे हैं। और इनको आटा डालने में बहुत मज़ा आ रहा था, वो तो फिश को देख रहे थे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको थोड़ा सा पसंद आया। Now